हावड़ा ब्रिज पे जा रहे हैं। ये कलकत्ता की खासियत है, यहाँ पे ना एक बजिंग सीन है यार, इंक्लूडिंग दिस पीली सी टैक्सी, फैंटास्टिक। चलो भाई, और अभी अभी इच्छा हो रही है कि एक हल्का सा एक बर्गर सा खाया जाए। हल्की सी बारिश हो रही है, बाहर निकल के स्टैक्स एंड रैक्स बोल के जो दुकान है। कुछ देर पहले मैं फ्री हो गया था तो मैंने कॉल किया था, तो शर्मिला ने कॉल नहीं लिया था, वो शी वॉज वर्किंग ऑन समथिंग। रेखा विशाल से बात हुई, दे हैव मूव्ड द हाउस। मैं सोचा था कि उनके घर जाके चाय पीऊँ, तो मैं जब भी फ्री होता हूँ, जैसे ही फ्री होता हूँ, मैं दोस्त की मुझे याद आती है, उनको फ़ोन करता हूँ। एटलीस्ट ये हुआ तो मैंने कभी स्वप्न नहीं, और मैं जाके थोड़ा सा एक बर्गर उड़ाया जाए। एक थॉट है जो अभी अभी मुझे आया है कुछ ही देर पहले, और मैं वो एक्सप्लोर कर रहा हूँ स्वप्न के साथ। आज अगर हम लोग रात को चले कलकत्ता, चला जाए यार, बहुत दिनों से यार बॉम्बे में, 48 आवर्स हो गए मेरे बॉम्बे में, बहुत दिनों से। चलो कलकत्ता, क्या किया यार, बहुत हो गया यार। चलो ओके, चलो अभी ये थॉट आया। जी हाँ, थॉट अगर आया है तो उसे एक्शन में भी तो बदलना है। स्वागत है आपका आज के व्लॉग में, देखते हैं आज का थॉट क्या रंग लाता है। निकला जाए फिर वापस आके, बहुत दिनों की शूटिंग है यहाँ पर, तो उसके पहले बहुत दिनों से कलकत्ता नहीं गया, पर अभी हम लोग जा रहे हैं स्टैक्स एंड रैक्स कुछ इंटरेस्टिंग बर्गर खाने। भाई इंटरेस्टिंग क्या है, मेरे लिए इंटरेस्टिंग वो है जो एक साधारण से दिन को कुछ तब्दील कर देती है, चाहे वो बर्गर हो, चाहे ये प्यारा सा गीत। स्टैक्स एंड रैक्स कुछ इंटरेस्टिंग बर्गर होगा, होपफुली स्वप्न के लिए भी कुछ वेजिटेरियन मिलेंगे। है ना, वहाँ वेज तो होगा ना यार, नहीं है कुछ वेज? चावल खा लेंगे, चावल है। अबे बर्गर जॉइंट में कहाँ पे चावल होगा मेरे भाई? नहीं नहीं कुछ होगा यार, होगा। ये मेरे भाई जिनसे हम मिलने जा रहे हैं, बहुत खुश हैं, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चल रहा है ना, बहुत खुश है कि सब अपने लॉन में जा रहे हैं। ये देखिए चेहरा, देखिए इनका, पहले बोला आ जाओ, मैंने हमने कहा आ रहे हैं, पूछ रहे कब आ रहे हैं, क्या सुना है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मैं अभी अब बता देगा सबको, अब मुझे होल्ड करना पड़ेगा, किसी को बताना नहीं, काउ के बोल बे ना, इट्स अ सरप्राइज। तो बॉस बहुत दिनों बाद जाकर खाएंगे यहाँ पर। थॉट ले लिया, अब जरा बुकिंग कर लेते हैं, बहुत जरूरी है, बहुत जोर से भूख लगी है, चक्कर आ रहा है। A few moments later. Student 535 की फ्लाइट बुक हो गई, अभी अपने को कुछ कमाल का स्मैश बर्गर उड़ा रहा है। This is looking amazing. Zone है इसमें। प्रिया खन्ना ना देखे, प्रिया खन्ना एक बेहतरीन डायटिशियन है, जो उनकी बात मानते हैं उनका कमाल का वेट लॉस होता है, लेकिन मैं सॉरी प्रिया, मतलब अमेरिकन बर्गर्स को बीट कर दिया मेरे भाई। The smash burger at Stacks and Racks. भाई खाना खाने का आनंद अलग ही होता है, आहा, उंगली से पकड़ कर थोड़ी सी हंसी और उसके बाद चबाना, आपको भी अच्छा लगता है खाना? अगर अच्छा लगता है तो एक हार्ट दीजिएगा कमेंट पे अभी। नीचे तो नहीं है, धक्का नहीं खाया, मीट है ना वो, मैंने कहा पक्का जीना है। चलते अब जल्दी से फ्लाइट पकड़नी है हमको, कलकत्ता जाना है भाई। बारिश, अमेजिंग बारिश, कलकत्ता जाते जाते बंबई की बारिश। चल बैठ जाओ घर पर बेजू भाई। हाँ सर, हम घर में पाँच, जल्दी से चलिए, पाँच मिनट घर में रुक के हमको निकलना है, हमें थोड़ा दूर जाना है कलकत्ता। पतली गली से निकलते हुए आइए भाई साहब, बहुत बढ़िया, कैसे भाई, सड़क क्रॉस करते हुए अब हम पहुँच गए यहाँ पर, गोप्रो का फायदा है, सबसे तू और मैं ड्रोन कर रहे हैं। एक्चुअली 10 मिनट में हमको निकलना है। हाँ चलेगा, ठीक है,
धमाल आया। सो जोर शोर से पैकिंग हो रही है बॉस। फैंटास्टिक, हम लोग अगले 5 मिनट में वी हैव टू बी डाउन। अपना सामान आ चुका है, GoPro के चार्जर है हमारे। चलो चला जाए भाई, एक चेक इन कराएंगे। ये तो करना ही पड़ेगा ना। पहला ट्रिप टू कोलकाता। रुक जाइए रुक जाइए, सब लोग रुक जाइए। भाई नमस्कार भाई, सब रखा है क्या? रखा है। बस we are in the business of storytelling and we are on fire and like how zindabad avid miners chale kolkata short notice par 306 bas ye samne se auto rickshaw aaya bas abhi ek bahut interesting aur challenging cheez ho rahi hai jo hamara boarding pass hai kuch hi der mein hamare paas aa jata hai lekin pichle 1 ghante se hum log try kar rahe hain main try kar raha hu trisa try kar rahi hai aur wo sirf yahi keh raha hai web check in successful your boarding pass wo print nahi ho raha DGCA रूल्स है कि हमको वो वेब चेक इन करके जाना है, बोर्डिंग पास लेके जाना है, तो देखता हूँ क्या होता है वहाँ जाकर। तो हम चले कलकत्ता। स्वप्निल पहली बार कलकत्ता जा रहा था, पुणे में पला बड़ा वो, आज पहली बार कलकत्ता के कल्चर को एक्सपीरियंस करने वाला था। बेस्ट विशेस माय शोना, हैव अ सेफ फ्लाइट। सो फैंटास्टिक, हमारे बोर्डिंग कार्ड छप गए हैं क्योंकि हमारा वेब चेक इन एक्चुअली हो चुका था। वी हैव आल्सो इन्फॉर्म्ड थ्रीसा ताकि वो टेंशन में ना हो। और अभी अभी पता चला है कि हमारी फ्लाइट डिलेड है आधे घंटे से। नो प्रॉब्लम स्वप्निल। यस सर। फर्स्ट टाइम टू कोलकाता? या फर्स्ट टाइम। सुपर डुपर। जाना पहचाना हमारा एयरपोर्ट बदल दिया। किधर से अभी डोमेस्टिक? सुनावाने साहब, आपके आते ही एयरपोर्ट में भी नया कर दिया उन्होंने। ये पूरा नया सेटअप हो गया कि पूरा इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एक ही जगह से है और यहाँ से निकल कर यहाँ पर सेपरेशन होता है। डोमेस्टिक नीचे होता था, अभी सिक्योरिटी हैज़ कम अप फॉर सम रीज़न। तो ये यहाँ पर पहले डोमेस्टिक सिक्योरिटी हुआ करता था। चीज़ें बदलती रहती हैं तो नज़र रखो बदलाव पर। चोली कोलकाता, क्या बात है, मतलब चले कलकत्ता। जिंदगी में एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है, तब आप जिंदगी को ऊर्जा दे पाते हैं। जिन लोगों को मिलते हैं उन्हें ऊर्जा दे पाते हैं, पर आप खुद जिंदगी से ऊर्जा ले भी पाते हैं, तभी तो रुकना पड़ा अब कुछ खाने के लिए। चलिए कुछ मीठा हो जाए। लोटस बासमती। बस यही दे दीजिए, क्योंकि देवी जी को ज्यादा मिठाई अलाउड नहीं है, उनके लिए छोटा लिया है। बाकी सुमन को उड़ा देगा, सुमन को उड़ा देगा। अरे भाई, मेरा टिकट मेरे पास है, तेरा टिकट कहाँ है? फर्स्ट टाइम इंडिया में मैं देखूंगा कैसे कुनाफा बनता है और ये एयरपोर्ट पर ही बन रहा है। अरे यार, टू मच, दिस इज अमेजिंग यार। गॉड, एक तरफ है चीज, एक तरफ इज द बंट। आहा, वो मिसली। एक बाइट और लेना पड़ेगा। और ये दोनों तरफ शुगर ड्रिप कर रहा है। बस खत्म। रिया खन्ना को पता नहीं चला कि बस जी। हाँ, अमेजिंग। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों का। बहुत बहुत उनावा उनावा भी खा दिया, निकलते हैं। आधा घंटा लेट है फ्लाइट, आधे घंटे में हम लोग 250 ग्राम वेट बढ़ा दे रहे हैं, 250 ग्राम से भी ज़्यादा। हाय, ये तो घर का वाइट वॉश करा रहा है हमारे आने के चक्कर में। 8:30। हाँ, एक बार तो बाबला के बैठिए दो यार। अबे 8:30 बजे थोड़ा बाबला रिस्क होगा यार, प्लीज यार, पैसा बचेगा हमारा है थोड़ा सा। देखो दोस्त की गाड़ी आती है, पेट्रोल के थोड़ा पैसे मांगेगा। दिस इज चुमान, हुज कार इज कमिंग टू पिक मी अप। सबने थैंक यू बोलो अंकल को। थैंक यू अंकल। थैंक यू यार, तूने बिना बोल के जो गाड़ी भिजवा रहा है ना, तो इतना अच्छा लग रहा है। सुमन जिसने सालों से मुझे दिया है ढेर सारा प्यार,
आज मुझे कार भी भेजने वाला था मेरा ये प्यारा यार। ये वाली जो फ्लाइट है वो 6 बजे टेक ऑफ करनी थी, तो हमने सोचा कि यहीं बैठ के थोड़ा पानी पिया जाए और मुझे एक वीडियो आज शूट करना था, उसको कर लेता हूँ। बैकग्राउंड ये रहेगा। बोर्डिंग हैज बीन अनाउंस्ड। आज मैं स्वप्निल के साथ घूमने जा रहा था। बहुत मजा आता है क्योंकि स्वप्निल के साथ ही मैं कहानियां सुनाता हूँ व्लॉग्स के जरिए। स्वप्निल मैं तैनात ट्रेन कर रहा हूँ। बस आज हम लोग ट्रेन कर रहे थे। अच्छा ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग हमारा चल रहा है एकदम घुटने के पास तक, उसके आगे मेरा शॉर्ट्स आ जा रहा है। हम आशा करते हैं कि आपकी यात्रा सुखद रहेगी। 27 साल का एक लड़का, मैं 57 का। स्वप्निल और मैं जब साथ होते हैं तो बहुत बातें होती हैं, जिंदगी की, क्रिएटिविटी की और जिंदगी को देखने के नजरिए की। 8:30 दरवाजा खुलने के बहुत पहले सब लोग खड़े हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। पहुंच गए कलकत्ता। आपने किधर है भाई? किधर है तुम? किधर है भाई? कम से कोली का था। अभी तक तुमने कलकत्ते की सरजमीन में पैर नहीं रखा। तुम एरो ब्रिज पर ही हो। अभी इसी छत पर कुछ कमाल की चीज दिखेंगे। वेलकम टू कोलकाता स्वप्निल। मैं आज बहुत खुश था क्योंकि इस ट्रिप पर मैं स्वप्निल को पश्चिम बंगाल के अलग अलग पार्ट्स में ले जाकर वहां के कल्चर से वाकिफ कराने वाला था, और संग आपको भी। तो साथ बने रहिएगा। खूने को वालों के आखिरों पालों के तुम्हारे जगह पर देखे। वेलकम टू कोलकाता। তুমি আরাম থেকে বেরো, যেই তুমি আমার ওখানে সামনে আসবে তুমি আমাকে কল করবে, ঠিক আছে? তো বাবলা সে বাত হো গই হে? বাবলা আয়েঙ্গে আর মা বাহার নিকল জাউঙ্গা। তো সমঝা দিয়া কি জব ও বাহার নিকলে ইয়াহাঁ পৌঁছে তো কল করে। কলকাতা, মে হমেশা কহতা হু না কি কিসি ভি জগহ কো বানাতে হ্যায় ওয়াহাঁ কে লোগ। বাবলা দা আয়ে থে হমে পিক করনে। बाबलादा, कड़क बाबलादा, लेकिन उनकी हंसी लाजवाब और उनकी आवाज क्या बताऊं? अरे तुम इसको माने इसको ताई बेचे गए थे क्या ना? ये सारे स्वागत है आपका कलकत्ते में, पश्चिम बंगाल में। हम लोग साथ घूमेंगे कलकत्ते की गलियां। जाएंगे हम लोग बोलपुर, शांति निकेतन। हम लोग बहुत कुछ देखने वाले हैं, वहां का रंग, वहां के लोग, कैफे, वहां की खूबसूरती, वहां के कुछ बहुत ही प्यारे लोगों से मिलवाऊंगा, रंगों को दिखाऊंगा जो लोगों ने बनाया है। साथ बने रहिएगा साथी, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं दोस्तों के साथ घूमना पसंद करता हूं, उनके साथ नाचना पसंद करता हूं, गाना पसंद करता हूं, और आप मेरे दोस्त हैं। साथ बने रहिएगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल शुक्रन बंधु, अल शुक्रन जिंदगी।